हेलो गाइस, मैडम मैं अभिषेक और आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल टेकन गेमिंग। तो आज जो न्यूज़ है वो दोस्तों GTA 6 के बारे में है। तो आपको पता ही है बहुत दिन से जो है GTA 6 का थोड़ा थोड़ा जो है लीक आ रहा है। तो आज जो है फाइनली कुछ लीक्स आया है जिसके मदद से आपको GTA 6 का बहुत सारी चीज़ जो है पता चल जाएगा। तो आज जो है इस वीडियो में GTA 6 के बारे में बात होगा। तो दोस्तों आप अगर लाइक नहीं किए हो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को और वीडियो को पूरा देखना। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे GTA 6 का जो लीक है, यहाँ पे दोस्तों GTA 6 जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च होने वाला है उसके बारे में लीक्स आया है और कुछ गेम से डिटेलिंग्स जो है यहाँ पे लीक्स आया, जैसे कि कैमरा एंगल, जैसे कि ग्राफिक्स, जैसे कि यहाँ पे आपको नया नया कौन सा लोकेशन जो है मिलने वाला है इस गेम के अंदर। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ये GTA 6 जो है लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबको पता है कि GTA 5 जब लॉन्च हुआ था तो सबसे पहले जो है PS4 पे लॉन्च हुआ था, उसके 2-3 साल बाद जो है जाके यहाँ पे PC पे लॉन्च हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे GTA 6 जो है लॉन्च होने वाला है PS4, PS5 एंड यहाँ पे एक्सबॉक्स पे भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के सारे जो यहाँ पे एक्सबॉक्स सीरीज है सब पे जो है ये लॉन्च होने वाला है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों PC वर्जन के बारे में कोई भी लीक्स यहाँ पे नहीं आया। तो हमें लगता है कि पहले तो दोस्तों ये सब जो है प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो, उसके बाद दोस्तों जो है PC वर्जन आएगा। जैसे कि GTA 5 आया था 2013 में, उसके बाद जो है PC वर्जन आया 2015 में। तो वैसे ही हो सकता है कि अगर हम मान ले कि GTA 6 आएगा 2023 में, तो दोस्तों GTA 6 PC वर्जन आएगा 2025 में, तो ऐसा हो सकता है। तो अभी कोरोना चल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, शायद गेम डिले भी हो सकता है। जैसे कि दोस्तों रॉकस्टार ने बताया था कि 2022 के फरवरी तक जो है गेम जो है लॉन्च हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोरोना की वजह से गेम जो है डिले होने वाला है। तो दोस्तों आगे लिखा रहा है कि यहाँ पे गेम प्ले का इंटरफेस जो है वो इंप्रूव होने वाला है, ग्राफिक्स वगैरह। तो यहाँ पे हम मान के चलते GTA 4 का जो ग्राफिक्स था उससे GTA 5 का ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अलग था। तो अगर GTA 4 को हम GTA 5 पकड़े और GTA 5 को हम GTA 6 पे लेके चले, तो आप सोच सकते हो कि कितना अंतर होने वाला है GTA 5 और GTA 6 में। तो ऐसा कुछ हुआ तो बढ़िया होगा, और यहाँ पे रॉकस्टार वाले ने हर वक्त हमें सरप्राइज किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राफिक्स हमें देखने को मिलेगा आगे। और दोस्तों यहाँ पे लीक सिर्फ ग्राफिक्स के बारे में नहीं आया है, दोस्तों यहाँ पे नया लोकेशन के बारे में भी दोस्तों यहाँ पे लीक्स आया है। तो नया लोकेशन क्या होने वाला है गेम के अंदर, यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि लंदन, टोक्यो एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह का जो है लोकेशन हमें गेम के अंदर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसको छोड़ के भी दोस्तों यहाँ पे कैमरा एंगल के तरफ से भी कुछ आया है। दोस्तों हमें गेम के अंदर दोस्तों नॉर्मली तो कैमरा एंगल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे रोटेटिंग कैमरा एंगल मॉड्यूल जो है इसके अंदर हमें अपकमिंग गेम में देखने को मिल सकता है। बस दोस्तों यहाँ पे इतना सा ही न्यूज़ आया था GTA की तरफ से। तो जितना न्यूज़ हमें मिला है सब आपको बता दिया। तो आगे अगर कोई न्यूज़ आता है तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं है कि तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और भी लीक जो है आगे आने वाला है। तो चलो यार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो नया वीडियो जो है बहुत जल्दी आने वाला है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय गाइज़।